ड्रीमिंग हट्स कहाँ कहाँ देखो घर बनाए हैं इन लोगों ने यार, सारा लग भी ऐसे ही रहा है भाई। जंग आलू हॉरर फिल्मों में गाड़ी नहीं होती, ओए रस्टिक गाड़ी नहीं होती, प्राइवेट रेजिडेंस और पीटर कमानी कंस्ट्रक्शन डू नॉट इंटर, मकड़ी लगी हुई है, हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ है। ये देखिए क्या बनाया हुआ है, इसको दबाया, ये हाथ भी दे दिया, कंजर्व करने के लिए पैर से जितना प्रेशर दोगे उतना ही पानी आएगा बस। आप देख रहे हैं एक्टिविटी, चेक करें भाई। अब जो है ना हम लोग 200 किलोमीटर हो चुके हैं पीटरबरो से नॉर्थ बे जाते हैं, 100 रह गया हुआ, ठीक है। रास्ते में इसने एक बताया बर्क्स, BURK अपोस्ट्रोफी एस, बर्क का फॉल वाल कोई नहीं है, इनकी हमें नजर नहीं आई, क्रेडिट यूनियन वगैरह का कोई दफ्तर वगैरह भी वहां पे। बस ने एक चीज ये बताई यार, मंजर देखो यार, चेक करें ना, मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे किसने बताया बर्क फॉल फेसेस ना, मैंने उसको सर्च किया, वो है स्क्रीमिंग फेसेस, कोई ना चिल्लाते हुए चीखते हुए फेसेस बने हुए, अब आर्टिफिशियली हैं, पत्थरों पे किसी ने कार्व किए हैं आर्टिस्ट ने, वहां जाके देखते हैं। तो अभी हम हाईवे से निकल गए बाहर, हाईवे यूं जा रही थी, उसको काट के हम निकल आए, और 10 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। ऐसे हम जा रहे थे नॉर्थ, उससे ईस्ट की तरफ थोड़ा सा लिया और मुड़ के वेस्ट पे जाएंगे, तो आएंगे स्क्रीमिंग हेड्स, यही है ना। बाकी मैं नेट पे सर्च करता हूँ, फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। तो आपके स्क्रीमिंग हेड्स दिखाते हैं, ये नॉर्थ बे और पीटरबरो के दरमियान है, तकरीबन टोरंटो से भी 300 किलोमीटर होगा, 250 किलोमीटर, और पीटरबरो से भी 200 किलोमीटर है। तो बाकी फिर वहाँ जाके दिखाते हैं, या रास्ते में कुछ और अच्छी फिल्म आने वाली चीज़ आती है तो इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। नजारा देखो अल्हम्दुलिल्लाह यार, ग्रीनरी कितनी है, मंजर चेक करें ना भाई, यही विंटर में सारा खत्म हो जाएगा है। पूरा उजड़ जाएगा, सफेद सफेद सफेद। अब ये समझे दोबारा वुड्स के दरमियान से रोड जाइए, अभी तक ये ग्राउंड आ गया था बिल्कुल, सूरज सामने आने का मतलब हम वेस्ट हो गए हैं तकरीबन, हमारा लोग घूम घूम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सूरज यहाँ वेस्ट में ही घूम, वैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, बीच में 10 किलोमीटर वेस्ट जा रहे हैं, यहाँ ईस्ट में सूरज निकलता है वेस्ट में गुरूब होता है, पाकिस्तान में वेस्ट से सूरज निकलता है ईस्ट में गुरूब होता है, ऐसी कुछ है। अच्छा है ना, यही तो मजा है। आज मैं आपको
कनाडा डे के दिन जो कि पहले जुलाई को है, एक बहुत यूनिक, खौफनाक, एबनॉर्मल, अनयूजुअल प्लेस दिखाने लगा। कनाडा डे है, पहली जुलाई है, ओंटारियो प्रोविंस है, टोरंटो से ये जगह तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे है, सीधा नॉर्थ। आप अगर आप टोरंटो में जाएंगे, यार मेरे पास वो नहीं है इसका पोलराइजर या क्या क्या होता है ना, तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन आपको थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी नॉर्थ बे की तरफ। तो ये बक्स फॉल्स के करीब आपको ये जगह मिलेगी, ये कहलाती है जनाब स्क्रीमिंग हेड्स। जनाब इस प्रॉपर्टी की कुछ डिटेल ऐसी है कि ये एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं और टीचर भी रहे हैं, पीटर कमानी साहब, उनकी रिहाइश गाह है, 300 एकड़ पे मुश्तमिल है। यार भाइयों आप मतलब ना नज़ारा चेक करें आप, यार स्क्रीमिंग हेड्स कहाँ कहाँ देखो घर बनाए हुए इन लोगों ने, यार सारा लग भी ऐसे ही रहा है, लॉस्ट टाउन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं लॉस्ट टाउन। आगे देख कैसी पहाड़ी लग रही है यार, है ना। अभी हम नीचे जाएंगे, फिर मुझे लग रहा है उस पहाड़ी की बेस में चले जाएंगे। दूर नहीं जाना मैं। और उन्होंने आम पब्लिक के लिए खोला है। ये इलाका जो कि अलमेगुइन हाइलैंड्स कहलाता है और ये नॉर्थ ऑफ मस्को का स्मॉल एक टाउन है उसकी तरफ है, पहले ही आर्टिस्ट वगैरह के लिए बहुत मशहूर है। तो जनाब इन टीचर का, इन आर्टिस्ट का कमाल ये है कि इनका आर्ट वर्क वेटिकन जो कि ईसाई कम्युनिटी का मजहबी जगह है खास, और बकिंघम पैलेस जो कि क्वीन की रिहाइश गाह है इंग्लैंड में, इनका आर्ट वर्क वहाँ भी मौजूद है। आर्टिस्ट का इस 300 एकड़ की प्रॉपर्टी में अपनी रिहाइश गाह है, और ये एक्चुअली उनकी रिहाइश गाह समेत खुला हुआ होता है हफ्ते और इतवार के दिन पूरे साल सुबह से शाम तक। हम लोग 1 जुलाई को गए थे तो उनका घर खुला हुआ नहीं था और दरवाजा उसका बंद था। इस जगह पे फ्री पार्किंग है, वॉशरूम है, डोनेशन बॉक्स भी है, और जितनी मैंने समझा है पढ़ा है ये डोनेशन इलाकाई फूड बैंक के लिए इस्तेमाल होता है, चैरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जनाब अब जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ आगे तफसील बता रहा हूँ, दिखाएं, देखें, एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है, सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की तलाश आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं तो बहरा मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए, आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। देख लो भाई नीचे से कोई रिपेयरिंग वगैरह पानी वानी भी गुजर रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ इतनी दूर तक नहीं जाएंगे, बस हमारा मैप में आप भी देख रहे हैं ना कि पानी क्रॉस करेंगे रेड पॉइंट तक जाना है। वाह 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 सुभान अल्लाह, चेक करें आप यार ये भी डाल के बैठे हैं, ये भी शिकायत कर रहे हैं, मैं तुम्हें बोला है ना यहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा देख शाम के वक्त ही आए और कर रहा है यार, ओह साईं ला आतंक हो गया ना यार, जन्नत कैसी होगी सोच यार। तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, अल्लाह करे हमें मतलूबा चीज नजर भी आ जाए। ये कुर्सियां लगी हुई यही तो नहीं स्क्रीमिंग हेड्स, ये लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है पार्किंग, स्क्रीमिंग हेड का मुंह देख लिया। अबे चल बे चल स्लो, देखिए यार मजा आ रहा है। ये स्क्रीमिंग हेड ये बनाए हैं किसी ने आर्टिफिशियल? हां ये बनाए होंगे, बने बनाए थोड़ी होंगे, मोर पंख देखे हैं वो, कोई भी नहीं है गाड़ियां क्यों अभी किस जमाने की डॉन, कोई भी नहीं है, मजा आ रहा है यार बिल्कुल नहीं जंग आलू धारा, ओए देख जंग आलू धारा फिल्मों में गाड़ी नहीं होती, ओए
रस्टिक गाड़ी नहीं होती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये देखें गाड़ी याद आती है। अब हम यहाँ नॉर्थ पे पहुँचना है, अभी आधा एक घंटा और है। ये वुड्स क्यों काटी है किसी ने, जलाने के लिए। ये देखो फेस कैसा बना हुआ है। क्या कर रहे हो, थोड़ा चक्कर लगा। मेरे घर से 4 घंटे का था तकरीबन, 300 किलोमीटर है। चीज देखिए आप, ये वो लॉक शो रखे हुए, जलाने वाला ने कोयला बना रहा है। ये देखिए आप यार, कम पड़ेगा ये उसके ऊपर भी। जैसे गार्ड बैठे होते ना संतरी, एक कबूतर चौकीदारी दे रहा है, वो देख रहे हैं कबूतर या जो भी परिंदा, नीली गर्दन है कबूतर। और चौकियां भी बनी हुई है गन वन लगाने की। ये फेसेस हैं, वहाँ पे भी फेसेस लगे हैं। आप देखो यहाँ भी लगा हुआ है। ये देखिए आप चेक करें, कमाने ली पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ पीटर कमानी कंस्ट्रक्शन डू नॉट इंटर। मकड़ी लगी हुई है, हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ है। ये देखिए क्या बनाया हुआ है, मास्क वास्क पहना हुआ है उसने। नहीं तो अंदर तो नहीं जा रहा मैं। तो उसने शॉर्ट पकड़ी हुई है, उसने लोहे का ड्रेस पहना हुआ है, चौकी बेचते ना। हाँ, खाने वाने का सामान रखा है यार। अंदर तो जा नहीं सकते, क्या फायदा हुआ प्राइवेट, वाकई में मतलब क्या मतलब प्राइवेट लाइसेंस होगी ना, किसी प्राइवेट जगह होगी भाई, उसी ने ये लगा दिए होंगे। यहाँ तक देख लो बस, बाकी उसके घर को स्टच करेगा क्या वो। ओ तो बोलेगा तो मैं तोर। यस, सिर्फ इस वजह से तो नहीं, हिस्टोरिकल साइट होने की वजह से वो सिंबॉलिक उन्होंने रखा, वो कमानी का घर है। नहीं, अपना प्राइवेट उसके। ये देखिए यार, ये तो भी होगा ना, चेक करें आप ना, मतलब वाओ है? वो गाड़ी इधर पलके भी बनी हुई है वही। हाँ ये है, आईब्रोज बनाई हुई। वो गाड़ी कहाँ चली गई अभी, जाई थी अबे? हॉन्टेड गाड़ी तो नहीं थी बे वो। अभी देख स्क्रीमी हाउसेस वहाँ पे भी है, वहाँ चलते हैं। पीछे भी है। देखें यार, चेक करें मतलब ना यार। अब एंजॉय करना है तो ये तो होगा ना यार। यार टॉप ऑफ द टॉप यार, देख चलते चलते वो बल्ले, उसका बर्क्स का जिक्र हुआ, तुमने बोला वो फेसेस हैं। देखें यार, और ये मैं उनके साथ आना, वो मोबाइल तो ला, मोबाइल मोबाइल लेके आ, तस्वीरें तुम्हारी भी तो निकाल लूँ ना यार। कैनेडा डे की वजह से पहनी हुई है लाल भाई, जूते ऐसे ही लाल हो गए हैं। अब मैं वहाँ से चलता चलता यहाँ तक हो गया, वहाँ से मिनटा दूर थे, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई। वो बोलते कमानी साहब का कोई प्राइवेट घर है, मुझे सिंबॉलिक लग रहा है ना, प्राइवेट घर भर तो क्या होगा, सब कुछ इतना पुराना लग रहा है। तो मैं इधर वुड्स में आ गया हूँ, वुड्स तो तकरीबन नहीं, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना इसके अंदर भी ये बनी हुई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसने भी आर्टिस्ट ने बनाई है यार। फूल देखें कितने प्यारे हैं, कलर्स चेक करें यार, मना मतलब उफ, पीले गुलाबी सफ़ेद डबल कलर। तो मुझे लगता है ये इधर भी वुड्स में कहीं होगा। ये देखें, एक ये आ गया जो मैं आपको बता रहा हूँ ना,
मंजर चेक करें। ये मेरे पीछे आप मंजर देख रहे हैं, ये है स्क्रीमिंग हेड्स और बक्स फॉल्स के करीब। फॉल्स वगैरह तो हमें नज़र नहीं आई, इसके पीछे जो हम जो आए हैं उधर रोड है, रोड के उधर लोग शिकार खेल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। शाम का टाइम भी हो गया ना। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आप देखिए, आ रहा हूँ यहाँ तो आके देख, आ रहा हूँ ये देख चेक करेंगे। हाँ इधर तो आओ, नज़ारा देखिए यार। उफ, से पहले वो आए मैं जल्दी जल्दी बना दूँ। मंजर चेक करें, मंजर चेक करें भाई, ये देखें। उफ उफ उफ, ये क्या सिस्टम बनाया हुआ है, किसी ने, किस आर्टिस्ट ने किया है। नेट पे थोड़ी थोड़ी तहकीक करूँगा, रिसर्च करूँगा, ठीक है। ये कोई रेहट वगैरह पानी निकालने का कुछ बनाया हुआ है, ऊपर चढ़ जाते होंगे ये रहा। नहीं रेहट वगैरह तो नहीं, ऐसे ही बना हुआ खाली ना, जगह देखिए आप। अच्छा मैं चिल करके चल रहा हूँ, जो किसी ने खुद जो बोन फायर भी किया। आप देखो कैसा मंजर लग रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ। ज़मीन पे भी किसी ने पत्थर पे फेसेस बनाए हुए, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। ये देखो ये फेसेस देख रहे हो, ये देखो मंजर, क्या किसने बनाए होंगे, पत्थरों से कार्वो के बने हुए यार। चलते हैं यार, ये कीड़े मकोड़े तंग करते हैं यहाँ पे ना। देखो ये भी बनाया हुआ है, तो वो भी बनाई हुई है, फ्रेंच मूछ नाक से भी बनाई हुई है। ये तो बकायदा उठी हुई है, ये सर सा उठा हुआ है, आँखें हैं, नाक है। वाह यार वाह। तो जनाब ये है बक्स फॉल्स के करीब स्क्रीमिंग हेड्स, चलें चलते हैं चेक करें। यहाँ जून की मेंटेनेंस, जून 2022 को ही ये वॉशरूम बने हुए ना, डिस्पोजल। बाहर से मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैं हूँ इस तरह करते होंगे पता नहीं, मैं पानी आता होगा तो थोड़ा बहुत बैठते हैं, मुझे बड़ा जोर का सूस हुआ है। तो भाई ऐसा है कि यहाँ से निकाला साबुन, ये आप प्रेस देख रहे हैं, इसको दबाया, ये हाथ भी धो लिया। कंजर्व करने के लिए पैर से जितना प्रेशर दोगे उतना ही पानी आएगा बस। ज़बरदस्त यार, क्या बात है यार, ये हो गया हमारा। एज यूजुअल ये देखो शक्ल, बस बस आ गया। अब इसके अंदर भी इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई होंगी, हैं वॉशरूम में आई थी मैंने भगा दी, यहाँ से जा सकते हैं अंदर। चलो चले यार, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है स्क्रीमिंग हेड्स ये छोटा सा शेयर करना, बहुत ही रिमोट एरिया में कनाडा के नॉर्दर्न ओंटारियो में, मोर देखें कितना प्यारा। पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।